दोस्तों Realme का 10 सीरीज का फोन एंड Redmi का Note 2 सीरीज का फोन दोनों फोन इंडिया पर लॉन्च हो चुका है। अंडर 25,000 के अंदर आपको Realme 10 Pro Plus एंड Redmi की तरफ से Redmi Note 12 Pro Plus नहीं है, Pro का जो 6GB रैम 128GB वेरिएंट है, दोनों फोन का प्राइस आपको 24,999 रुपीज़ मतलब अंडर 25,000 के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट पर दोनों फोन में आपको कौन सा फोन एक्चुअली परचेस करना चाहिए, किस सेक्शन पर कौन सा फोन आपको बेटर परफॉर्मेंस निकल कर देगा, कौन सा फोन आगे चला जाएगा, कौन सा फोन पीछे चला जाएगा, सब कुछ इस वीडियो के साथ में शेयर करने वाला हूं। वीडियो को एक लाइक देकर स्टार्ट कीजिए, अंत तक देखिए और इस टाइप का वीडियो मोबाइल अनबॉक्सिंग रिव्यू ऑफर रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगा Realme 10 Pro Plus एंड Redmi Note 12 Pro Plus का, उस वीडियो के लिए भी वेट कीजिए, आज मैं बोलूंगा ओनली प्रो वेरिएंट के लिए। तो दोस्तों दोनों फोन में आपको डिस्प्ले का सेक्शन पर 6.67 इंच का AMOLED OLED पैनल देखने के लिए मिल रहा है, बट Realme में आपको कर्व टाइप का इधर पैनल देखने के लिए मिल रहा है और Redmi में आपको नॉर्मल फ्लैट टाइप का पैनल देखने के लिए मिल रहा है। दोनों फोन में आपको 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, बट Realme में एडवांटेज है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल रहा है और Redmi में आपको राइट साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल रहा है जो फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, बट Redmi में आपको HDR 10 प्लस Dolby Vision का सर्टिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा, Realme में आपको सर्टिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और कौन सा प्रोटेक्शन Realme एक्चुअली यूज किया है वो प्रोटेक्शन के बारे में Realme ऑफिशियली मेंशन नहीं किया है। Redmi में आपको इधर Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो डिस्प्ले का सेक्शन पर Realme का क्लियर एडवांटेज है कर्व AMOLED पैनल के लिए, क्योंकि ये वाला पैनल थोड़ा कीमती पैनल है और फ्लैगशिप फोन में यूज होता है, इसलिए कर्व AMOLED पैनल के लिए Realme का डिस्प्ले थोड़ा प्रेफरेंस आगे चला जाता है। प्रोसेसर का सेगमेंट देखिए, दोनों फोन में आपको MediaTek Dimensity का 1080 प्रोसेसर यूज हो रहा है, 6nm बेस्ड प्रोसेसर है, बट Realme में फुल फ्रेज आपको प्रोसेसर का क्लॉक देखने के लिए मिल रहा है जो 2.6 GHz है और Redmi में थोड़ा इधर अंडर क्लॉक किया है हीटिंग के लिए और Pro Plus में आपको फुल फ्लेज आपको क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिल रहा है। तो इधर देखिए दोनों फोन में आपको लगभग सेम टू सेम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। रियल लाइफ में आपको अंतुतु स्कोर 5 लाख तक देखने के लिए मिल जाएगा, का जो क्लॉक रेट है आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा एडवांटेज इधर Realme के पास चला जाता है। कनेक्टिविटी फीचर्स देखिए, Realme के पास आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं मिल रहा है, टाइप सी कनेक्टिविटी है, डुअल स्टीरियो स्पीकर भी है और आपको इधर जो मेमोरी कार्ड का सपोर्ट है, डेडिकेट मेमोरी कार्ड का सपोर्ट आपको इधर देखने के लिए नहीं मिलेगा, IR ब्लस्टर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट Redmi में आपको 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट मिलेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर भी है, जो टाइप सी कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगा, IR ब्लस्टर की भी सपोर्ट मिलेगा, बट दोनों फोन में आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इधर कनेक्टिविटी फीचर्स में ऑब्वियसली Redmi विनर बन जाता है। तो दोस्तों डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी दोनों फोन में ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल रहा है, Redmi में आपको पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड क्वालिटी ओनली फ्रेम में देखने के लिए मिल रहा है और आपको बैक सेक्शन पर फ्रंट सेक्शन पर आपको प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ग्लास बिल्ड देखने के लिए मिल जाएगा, Corning Gorilla Glass का 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, बट Realme में आपको इधर ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। बैक सेक्शन पर पूरा का पूरा पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड क्वालिटी है और साइड का जो फ्रेम है वो भी पॉलीकार्बोनेट का है, बट ग्रिप में Realme बहुत सुंदर टाइप का आपको ग्रिप देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कर्व टाइप का ग्रिप आपको इधर देखने के लिए, बट इधर Redmi में आपको iPhone की तरह ही आपको इनबॉक्स टाइप का आपको डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये अपना प्रेफरेंस है, आप कौन सा फोन को चूज करोगे आप कमेंट सेक्शन पर जल्द से जल्द कमेंट करके हमको बोलिए, आपको इधर कर्व टाइप का आपको ग्रिप देखने के लिए अच्छा लगता है और आपको इनबॉक्स टाइप का ग्रिप अच्छा लगता है। तो सॉफ्टवेयर का सेगमेंट है देखिए, Realme में आपको इनबॉक्स Android 13 के साथ Realme UI 4.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा और आपको इधर Android 14 and 15 का अपडेट भी देखने के लिए मिल जाएगा, बट Realme UI 4.0 में थोड़ा मोड़ा इधर ब्लूटूथ ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा मोड़ा अनवांटेड जो रिकमेंडेशन है एडल्ट टाइप का रिकमेंडेशन है वो देखने के लिए मिल रहा है, बट Realme इधर फिक्स भी किया है, थोड़ा मोड़ा फिक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बट Redmi में आपको इनबॉक्स इधर Android 12 के साथ MIUI 13 देखने के लिए मिल जाएगा और Android 12 मतलब Android 13 एंड Android 14 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा, एक Android का अपडेट आपको कम देखने के लिए मिलेगा, बट इधर थोड़ा मोड़ा बग भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बट ऑप्टिमाइज हो चुका है लगभग, तो इधर क्लियर एडवांटेज आपको Realme की तरफ से देखने के लिए मिल जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा एक एंड्रॉइड का अपडेट डेफिनेटली ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। फोन का जो बैटरी का सेगमेंट है सेम टू सेम है, आपको 5000 mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा, बट इनबॉक्स आपको 80 वाट का चार्जर Realme इनबॉक्स आपको दे रहा है, 67 वाट को सपोर्ट करता है बट 80 वाट का चार्जर बंडल कर दिया है, बट Redmi में आपको 5000 mAh का बैटरी तो देखने के लिए मिल रहा है और इनबॉक्स आपको 67 वाट का चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा और 67 वाट का चार्जर कोई प्रोसेसर सपोर्ट करता है, मतलब
जो बैटरी का सेगमेंट है, बैटरी का सेगमेंट बिल्कुल टाई है। सबसे बड़ी है कैमरा सेगमेंट। देखिए दोनों फोन में आपको बैक सेक्शन पर ट्रिपल कैमरा सेगमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। रेडमी की तरफ से आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिलेगा। IMX सोनी का IMX766 का सेंसर है, फ्लैगशिप बैट का सेंसर है। आपको ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेटअप है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दोनों फोन में सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाएगा। रियलमी में आपको बैक सेक्शन पर 108 मेगापिक्सल का आपको सैमसंग का सेंसर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब हायर मेगापिक्सल रियलमी की तरफ से आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। 8 मेगापिक्सल का सेम टू सेम अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। तो दोस्तों मेन कैमरा जो बैक सेक्शन है, बैक सेक्शन कैमरा में कौन सा फोन विनर है, देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो रिव्यू वगैरह देखा हूं, इधर रेडमी की तरफ से थोड़ा मोड़ा एडवांटेज जाता है, क्योंकि इधर 50 मेगापिक्सल जो कैमरा है, इधर आपको OIS EIS दोनों एक साथ देखने के लिए मिलता है, मतलब नाइट फोटोग्राफी और जो वीडियो का स्टेबिलाइजेशन है आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। और सोनी का सेंसर है इसलिए ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत खास होगा, बट इधर OIS मिसिंग है, EIS तो देखने के लिए मिलता है, बट हायर मेगापिक्सल के लिए जब कोई भी आप फोटो के साथ कोई भी आप खिलवाड़ करोगे, मतलब डेप्थ चाहिए आपको, अच्छा खासा डेप्थ चाहिए जूम वगैरह करोगे तो आपको रियलमी थोड़ा आपको एडवांटेज लेकर जाएगा, क्योंकि हायर मेगापिक्सल है। दोनों फोन में आपको फ्रंट कैमरा सेम टू सेम है, बैक कैमरा से आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, एंड फ्रंट कैमरा से फुल HD 30fps तक मैक्सिमम वीडियोग्राफी कर पाओगे। तो अभी एंडिंग में आपको कौन सा फोन एक्चुअली लेना चाहिए, देखिए डिस्प्ले के लिए रियलमी विनर है, कैमरा के लिए रेडमी विनर है, बिल्ड क्वालिटी के लिए रेडमी विनर है, कनेक्टिविटी के लिए रेडमी विनर है, और अभी जो प्राइस रेंज फास्ट सेल में देखने के लिए मिल रहा है, फास्ट सेल में भी रेडमी विनर है, क्योंकि आपको 22,000 में रेडमी देखने के लिए मिल रहा है। और रियलमी का जो हायर वेरियंट है, हायर वेरियंट का प्राइस ओवर रियलमी की तरफ से आपको कम देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको एक्चुअली इस प्रेफरेंस के अंदर आपका प्रेफरेंस क्या बैठता है, उसके अकॉर्डिंग आप फोन को परचेस कीजिए। तो आपका अकॉर्डिंग फोन को परचेस करना चाहिए, और डिस्प्ले भी हो सकता है, कैमरा सेटअप भी हो सकता है, प्रोसेसर भी हो सकता है, कनेक्टिविटी भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है, मैंने सब कुछ खुलासा कर दिया। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन पर हमको बोलिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन पर कीजिए, मैं उत्तर दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ।